जियो भारत फोन में यूट्यूब चला सकते हैं, व्हाट्सएप आ सकता है या फेसबुक आ सकता है, इसके अंदर जियो सिनेमा ऐप भी दिया गया है वो कैसा है, और जियो सावन ऐप है वो कैसा है, और जियो टीवी इसके बारे में भूल जाओ दोस्तों, ये जियो टीवी इसके अंदर नहीं आता है। जियो टीवी के अलावा ये जो सारे ऐप्स है ना उनके बारे में बताने वाला हूँ और ये जियो भारत फोन का रिव्यू करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियो भारत फोन दोस्तों ये एक 4G फीचर फोन है जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 999 है दोस्तों। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैं किया हूँ दोस्तों, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये इस फोन को मैं अनलॉक कर चुका हूँ, तो थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ क्योंकि इसका डिस्प्ले थोड़ा छोटा है दोस्तों। इसके अंदर कुछ लिमिटेड ऐप्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि जियो फोन 1 है ना उससे थोड़ा कम ही है दोस्तों। इसके अंदर ऐप्स आप इसके अंदर ऐप्स भी इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम जियो सिनेमा को ओपन करके देखेंगे इसके अंदर जियो सिनेमा ऐप कैसे आता है वो देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ बेसिक सा इंटरफेस है, कुछ भी इंटरफेस नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको इधर नाम दिखाई देंगे, इधर से आप प्ले कर सकते हैं, पर इसके अंदर लिमिटेड कंटेंट है दोस्तों, न्यू ट्रेलर और सब इधर देख सकते हैं और कुछ मूवीज भी देख सकते हैं। तो इसके अंदर कैसे प्ले होगा वो देखेंगे दोस्तों, एक वीडियो प्ले करके मैं आपको बता देता हूं। तो ये प्ले हो रहा है, कुछ इस तरह छोटा स्क्रीन में ये प्ले होगा आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट जियो सावन को हम ट्राई करके देखेंगे दोस्तों, जियो सावन इसके अंदर कैसा है दोस्तों। इसके अंदर भी सेम वही सीन है दोस्तों, कुछ लिमिटेड कंटेंट लिमिटेड सॉन्ग्स ही इसके अंदर आप प्ले कर सकते हैं, रेडियो तो आप चला सकते हैं, सर्च का ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों इसके अंदर सॉन्ग सर्च करने के लिए, और जियो सिनेमा में भी सर्च करने का ऑप्शन ही नहीं है। जियो वाले क्या सुनना चाहते हैं आप वही सुन सकते हैं और वीडियोज भी वही देख सकते हैं जो वो दिखाते हैं वही आप देख सकते हैं, सर्च का ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों इसके अंदर। इधर एक सॉन्ग प्ले किया था दोस्तों, इसका साउंड ठीक ठाक है, मैं आपको साउंड सुना नहीं सकता दोस्तों, कुछ और वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि कॉपरेट आ सकता है, इसलिए मैं इस सेक्शन को म्यूट कर चुका हूँ। स्पीकर से साउंड आ रहा था ठीक ठाक है दोस्तों इसका स्पीकर, अलार्म और रिंगटोन अच्छे से सुनाई देता है। इस फोन के अंदर आपको ओपन वाले ब्राउजर देखने को मिलता है, इसके अंदर हम यूट्यूब सर्च करके देखेंगे दोस्तों क्योंकि इसके अंदर यूट्यूब प्ले होता है या नहीं बोल के एक बार ट्राई करके देखें दोस्तों। तो आप देख सकते हैं मैं सर्च कर चुका हूँ, कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है आपके लिए, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ भी इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है और इसके अंदर आप यूट्यूब प्ले नहीं कर सकते हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों आता है या नहीं बोल के देख रहा था, पर ये आने का नाम ही नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं ये कुछ वीडियोस इधर दिखा रहा है पर इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देता है और इसे हमें पता चलता है कि इसके अंदर यूट्यूब नहीं चलेगा। फेसबुक और व्हाट्सएप के बारे में मुझे पता नहीं है दोस्तों, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो इधर आप देख सकते हैं और एक वीडियो मैं आपको प्ले करके बताता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये प्ले नहीं होगा दोस्तों, ये अपने आप पेज को रिलोड करता है, इसके अंदर YouTube नहीं आएगा। आप YouTube देखना चाहते हैं तो इसके अंदर नहीं आएगा और कुछ ऑप्शंस भी इधर देखने को मिलते हैं टूल्स में, ये इतने सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम दूसरे फीचर के बारे में देखेंगे दोस्तों, इसके अंदर एक ऑप्शन आता है नोट्स बोल के, इधर आप कुछ लिख सकते हैं, बहुत मेहनत लगता है इसके अंदर टाइप करने के लिए। अब हम इस फोन का सेटिंग के अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं उसके बारे में देखेंगे दोस्तों, इधर आप देख सकते हैं कनेक्टिविटी डिस्प्ले प्रोफाइल कॉल सेटिंग फोन सेटिंग सिक्योरिटी डेटा एंड टाइम की फंक्शन। इस फोन के अंदर टॉर्च भी मिलता है, टूल्स के अंदर जाकर टॉर्च को ऑन कर सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं मैं जब ऑन करूंगा तो कुछ इस तरह आपको देखने को मिलता है इसका टॉर्च, जूम आउट करके आपको बता देता हूं। तो ठीक ठाक है दोस्तों इसका टॉर्च भी ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह इसका टॉर्च है, इमरजेंसी में आपको ये हेल्प करेगा। इस फोन के अंदर आपको एक बेसिक कैमरा भी देखने को मिलता है दोस्तों, उसके बारे में अब हम देखेंगे। तो आप पीछे देख सकते हैं दोस्तों ये है उसका कैमरा और स्पीकर भी उधर ही दिया गया है उसके बाजू में, और इधर आप देख सकते हैं उसका एक ऐप भी आता है दोस्तों कैमरा ऐप, तो उसे हम सीधा ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इधर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह इसका कैमरा है दोस्तों, कुछ बेसिक फीचर इसके अंदर आते हैं जो कि फोटो वीडियो क्लिक कर वीडियो आप क्लिक कर सकते हैं और इसके अंदर मैक्सिमम 1800 पिक्सल का फोटो आप निकाल सकते हैं। इधर आप देख सकते हैं कितने सारे आपको रेजोल्यूशन देखने को मिलते हैं, थोड़ा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर देखिए दोस्तों मैक्सिमम आपको 1600x1200 का रेजोल्यूशन मिल जाता है। यही है दोस्तों जियो भारत फोन, इसके अंदर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में पूछिए दोस्तों, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। जियो 5G फोन अंडर 10,000 भी आने वाला है दोस्तों, उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, वो वीडियो प्ले हो जाएगा, नहीं तो आप जियो 5G प्लान्स का वीडियो भी देख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्ते।